रामायण का देखो भाई थोड़ा पीछे बाजी जो 2014 में कोतवाली में किदवई नगर में एक मर्डर हुआ था जिसमें मृतक का नाम नजाकत था और जिसमें 5 भाइयों को उसमें नामजद किया गया था मर्डर में, जिसमें 3 भाई उसमें अरेस्ट हो गए थे और एक व्यक्ति ने, एक भाई ने सरेंडर किया था, परंतु एक भाई जो अरशद है, अरशद नाम का है, वो जमानत पाने के बाद लगातार फरार हो गया था। और एक में नौशाद नाम का व्यक्ति है जो नौशाद मर्डर के मुकदमे में भी था और ये गिरफ्तारी नहीं हुआ था, लगातार तब से फरार चल रहा था, जिसपे 25,000 रुपये का इनाम भी था। कोतवाली पुलिस को आज सूचना मिली थी कि इसमें नौशाद है, वो हो सकता है कहीं और भी कोई घटना कर दे, तो कोतवाली पुलिस ने उसको आज गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक अवैध असलाह, एक तमंचा मिला है, 2 कारतूस भी मिले हैं, जो कि मर्डर के मुकदमे में 2014 से लगातार फरार चल रहा था। ये शहर में अभी जो जानकारी इसने बताया है कि अलग अलग क्षेत्रों में ये रहा है और कुकड़ा गांव में भी रहा है कई जगह पे, क्योंकि इसको डर था पुलिस कहीं पकड़ ना ले, तो थोड़े थोड़े दिन में इधर उधर ये बदल बदल के अपना। इस बीच कोई आपराधिक रिकॉर्ड इसका पाया? अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग उसका भी प्रयास कर रहे हैं कि इस बीच में कहीं इसने कोई क्राइम, कई अलग अलग नाम इसने बताए हैं, हालांकि जिनकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम जानकारी कर रहे हैं कि क्या इसने कोई अलग नाम से तो कोई क्राइम कहीं नहीं। सर, अब कहाँ से पकड़ा गया? अभी हमारा जो वहलना चौक है, वहलना चौक के पास से ही हमने इसको अरेस्ट किया। थैंक यू।